हेलो माय डियर स्टूडेंट टुडे आई स्टार्ट चैप्टर नंबर फोर्थ विच इज बेस्ड ऑन सिंपल इक्वेशंस सो फॉर फॉर स्टार्टिंग एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन वी डिस्कस व्हाट इज इक्वेशंस सो व्हाट इज इक्वेशन एंड इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल सच देट टू एक्सप्रेशन इन द वेरिएबल शूड हैव इक्वल वैल्यू इट मीन्स दैट इक्वेशन जो है आपकी वो वेरिएबल के थ्रू अगर उनका एल एच एस एंड आर एच एस पार्ट बोथ आर सेम शुड बी इक्वल वैल्यू सो इट इज कोल्ड ए इक्वेशन नाउ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फोर विच द इक्वेशन इज सेटिस्फाई इज कोल्ड द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन वो रिजल्ट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फोर विच द इक्वेशन इज सेटिस्फाई इज कोल्ड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक n plus 7 equal 9 and for find solution of the equation if n equals to n equal to given then if we put n equal to in given equation we get put value of n is what 2 so we put 2 plus 7 equal 9 it means 9 equal 9 it means LHS is equals to आर एच एस इफ इक्वेशन एल एच एस एंड आर एच एस बोथ आर इक्वल देन इट इज दॉल्यूशन ऑफ एन इक्वल टू इज दॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नाउ आई स्टार्ट एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन विच इज बेस्ड ऑन द सम प्रॉपर्टीज समल्यूशन ऑफ द सिंपल इक्वेशन नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल लास्ट कॉलम आपको कंप्लीट करना है नाउ सीरियल नंबर इक्वेशन वैल्यू एंड से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाई यस और नो सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स प्लस थ्री इक्वल जीरो एंड वैल्यू एक्स इक्वल थ्री इट मीन्स दैट वी पुट एक्स इक्वल थ्री इन दिस इक्वेशन सो इफ वी पुट इन द प्लेस ऑफ एक्स थ्री सो वी गेट थ्री प्लस थ्री इक्वल जीरो सो सिक्स इक्वल जीरो इज पॉसिबल Not possible. So this the equation is not satisfied. So answer is no. Okay. Now second is x plus 3 equals 0 and x equals 0. Now again we put x equal 0 in x plus 3. So we get 0 plus 3, it means 3. So it is also not satisfied. Third one is x plus 3 equals 0.

So, we get minus 2 equal 2. So, minus 2 is not equals 2. So, it is not satisfied. Similarly, 9th is m upon 3 equals 2 and put m equals 0. So, we put m equals 0, 0 upon 3. 0 upon 3 is 0. So, 0 is not equals to 2. So, equation is not satisfied. Now, 10th is m plus 3 equal m upon 3 equal 2 and put m equals 6. वैल्यू ऑफ इक्वेशन गिवन द ब्रेकेट इज दुशन टू द गि इक्वेशन और नॉट आपको चेक करना है की ये जो आपको ब्रेकेट के अंदर वैल्यू गिवन है ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं सो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इफ यू पुट

not satisfy. So, we put n equal 1 so we get 1 plus 5 equals 6. So, LHS is what 6 and RHS is what 19. So, LHS is not equals to RHS. So, n equal 1 is not the solution of given equation. Now, b is 7n plus 5 equal 19 and put n equal minus 2. So, we put n equal minus 2 in LHS. So, 7 in the place of value of n is minus 2 plus 5. So, minus 2 7 job, 14 and symbol is minus plus 5. So minus 14 plus 5 minus 9. So minus 9 is equal 19. No. So minus 9 is not equal 19. So n equal minus 2 is not the solution of given equation. Now third is n 7n plus 5 equal 19 and put n equal 2. So we put n equal 2 in LHS. So 7 into 2. 5 so 14 plus 5 equal 19 so here LHS is also 19 and RHS is also 19 so it is so it means n equal to is the solution of given equation now again is uh, question number d is 4 p minus 3 equal 13 then p equal 1 this is D okay D number it is e and this F ok. सो पुट एन इक्वल सॉरी पी इक्वल वन इन एल एच एस सो फोर इन प्लेस ऑफ पी वन एंड माइनस थ्री सो फोर वन जा फोर माइनस थ्री वन सो वन इज इक्वल थर्टीन नॉट वन इज नॉट इक्वल थर्टीन सो पी इक्वल वन इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन सिमिलरली डू एंड एफ ना क्वेश्चन नंबर थर्ड इज सोल द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड इरन मेथड फर्स्ट वी नो वॉट इज ट्रायल एंड इरन मेथड Trial method is what it is we, uh, we can uh, produce some uh, values uh, by supposing and let then put in this equation so we get the result if LHS is equal uh, this process is do when the LHS is equals to RHS okay so now we uh, do some uh, steps so we first question is 5P plus 2 equals 17

पहले अपन ने माइनस थ्री पुट किया ना वी पुट भी इक्वल माइनस टू इन एल एच एस सो फाइव माइनस टू प्लस टू सो फाइव टू जा टेन सो नेगेटिव सिंबल प्लस टू वी गेट माइनस एट सो माइनस एट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू सेवनटीन देखा देखिए अब यहाँ माइनस थर्टीन था या माइनस एट हो रहा है कम होती जा रही है इट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू की तरफ Atijari equation so we put a p equal minus 1 in LHs. so 5 into minus 1 plus 2 equal minus 5 plus 2 minus 5 plus 2 minus 3 so minus 3 is not equals to 17 so therefore p equal minus 1 is not solution of equation. Now I put p equal 0 in LHs. so 5 into 0 plus 2 so 5 into 0 0 plus 2 equals 2. इट इज पॉजिटिव वैल्यू देखिए आप सेवनटीन की तरफ मूव करती जा रही है आपकी इक्वेशन सो टू इज नॉट इक्वल टू सेवन सो पी इक्वल ऑफ गिवन इक्वेशन नाव पुट पी इक्वल वन इन एल एच एस सो फाइव इंटू वन प्लस टू सो फाइव प्लस टू इज सेवन देखिए फिर इंक्रीज हुआ आपका टू से और सेवन पर आ गया है सो सेवन इज नॉट इक्वल टू सेवनटीन देयर फॉर पी इक्वल वन इज नॉट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नाव वी पुट वन के टाइम बाद क्या आएगा आपका टू सो नाउ वी पुट पी इक्वल टू इन एल एच एस वी गेट फाइव इन टू टू प्लस टू इक्वल फाइव टू जर टेन प्लस टू इक्वल टूवेल्व सो टो नॉट इक्वल टू सेवनटीन देर पी इक्वल्स टू इज नॉट द सोलूशन ऑफ इक्वेशन नाव वी पुट पी इक्वल थ्री सो पी इक्वल थ्री इन एल एच एस फाइव इंटू थ्री प्लेस ऑफ थ्री इज वॉट

राइट इक्वेशन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको स्टेटमेंट को रीड करके आपको इसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है ओके सो नाउ फर्स्ट वन इज द सम ऑफ नंबर एक्स एंड फोर इज नाइन इट मीन दैट एक्स एंड फोर का सम आपको क्या गेट करेगा नाइन सो वी कैन राइट सम ऑफ एक्स प्लस फोर सम करना है एट करना है सो एक्स प्लस फोर वी गेट नाइन सो एक्स प्लस फोर इक्वल नाइन ओके नाउ सेकेंड इज 2 subtract from y is 8. If we subtract 2 from y we get 8. So we subtract 2 from y. It means y minus 2 we get 8. So it is equation. Now third one is 10 times a is 17. It means 10 times it means we multiply a by 10. So 10 a equal, we get 70. Okay. Now fourth one is the number b divided by 5 gives 6. इट मीन्स इफ वी डिवाइड बी बाई फाइव सो एंसर इज विच इज इक्वल टू सिक्स थ्री फोर्थ थ्री फोर्थ ऑफ टी इट मींस थ्री बाई फोर्थ मल्टीप्लाई बाई टी वी गेट फिफ्टीन सिमिलरली सिक्स वन इज सेवन टाइम एम एम का सेवन टाइम प्लस सेवन Plus 7, we get 77. Okay. If you take away 6 from 6 times y, you get 16. Okay. If you take 6 from y, if you take 6 from 6 time of y. Okay. So 6y minus 6, we get 16. Now question number. फाइव इज राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन क्वेश्चन नंबर फोर स्टेटमेंट फॉर्म गिवन थी आपको तो आपने इक्वेशन बनाई थी यहाँ पर आपको इक्वेशन गिवन है तो उसका स्टेटमेंट आपको राइट करना है ओके सो फर्स्ट इज पी प्लस फोर इक्वल फिफ्टीन इट मींस सम ऑफ पी प्लस फोर वी गेट फिफ्टीन सो द सम ऑफ नंबर पी एंड फोर इज फिफ्टीन सिंपल स्टेटमेंट है नाउ क्वेश्चन सेकेंड इज एम माइनस सेवन इक्वल थ्री इट मींस वी सब्ट्रैक्ट सेवन फ्रॉम एम वी गेट थ्री सो सेवन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एम इज थ्री नाउ टू एम इक्वल सेवन सो टू टाइम्स ऑफ एम है ना टू टाइम्स ऑफ एम वी गेट टू टाइम्स एम इज सेवन नाउ फोर्थ वन इज एम अपॉन फाइव इक्वल थ्री इट मीन्स इफ वी डिवाइड एम बाय फाइव वी गेट थ्री ऐसा भी लिख सकते हैं द नंबर एम डिवाइड बाय फाइव वी गेट थ्री फाइव इज थ्री अपॉन फाइव थ्री एम अपॉन फाइव इक्वल सिक्स इट मीन्स थ्री फिफ्थ टाइम ऑफ एम इज इक्वल टू सिक्स सिमिलरली डू सिक्स सेवन एंड एट नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स इज सेट द सेट अप इन इक्वेशन इन द फॉलोइंगसेस आपको सम केसेस आपको इक्वेशन को सेट करना है इक्वेशन को आपको राइट करना है सो फर्स्ट वन इज इल्फान सेज दैट ही हैज सेवन मार्बल्स मोर देन फाइव टाइम द मार्बल परमिट्स हैड इल्फान हैज थर्टी सेवन मार्बल टोटल नंबर ऑफ मार्बल इज थर्टी सेवन टेक एम इज द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल सो आपको इक्वेशन फॉर्म में राइट करना है सो सॉल्यूशन इज लेट एम बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल अपन ने लेट कर लिया है यहाँ पर आपको टेक करना है कि एम को आपको क्या लेना है नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल सो वी लेट एम बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल सो व्हाट द स्टेटमेंट से इल्फान सेज दैट ही हैज सेवन मार्बल मोर देन सेवन मार्बल उसके पास मोर देन है फाइव टाइम्स ऑफ परमिट्स मार्बल सो परमिट्स मार्बल आपके पास एम है उसका फाइव टाइम और उससे सेवन मोर आपका कितना है और टोटल नंबर ऑफ मार्बल इज थर्टी सेवन सो इक्वेशन इज सेवन एम सॉरी फाइव एम प्लस सेवन इक्वल थर्टी सेवन नाउ सेकेंड इज नाउ सेकेंड इज लक्ष्मी फादर इज फोर्टी नाइन ईयर ओल्ड ही इज फोर ईयर ओल्डर देन थ्री टाइम्स लक्ष्मी एज टेक लक्ष्मी एज टू बी वाई सो वी टेक लक्ष्मी एज ऑफ वाई सो क्या गिवन है आपको कि लक्ष्मीज फादर एज इज फोर्टी नाइन टोटल एज इज फोर्टी नाइन ओके एंड वॉट इज स्टेटमेंट से ही इज फोर टाइम ओल्डर देन फोर टाइम ओल्डर इट मीन्स देन थ्री टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज सो लक्ष्मी की एज कितना अपन ने टेक किया है वाई उसका थ्री टाइम्स से कितना है फोर ओल्डर एज मीन्स फोर ज़्यादा है सो थ्री वाई प्लस फोर इक्वल फोर्टी नाइन सो इक्वेशन इज थ्री वाई प्लस फोर इक्वल फोर्टी नाइन नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री द टीचर टेल द क्लास डेट द हाईएस्ट मार्क्स ऑपटेन बाई ए स्टूडेंट स्टूडेंट्स इन हर क्लास आर ट्वाइज द लोएस्ट मार्क प्लस सेवन द हाइएस्ट स्कोर इज एटी से लोएस्ट स्कोर टू बी एल आपको ओके सो नाउ लेट द लोएक्ट स्कोर बी एल सो वॉट इज टोटल नंबर ऑफ स्कोर इज हाइएस्ट स्कोर इज एटी सेवन देन वॉट इज से स्टूडेंट इन हर क्लास आर ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स

लेट द बेस एंगल बी बी इन डिग्री रिमेंबर द सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज एटी वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज वन एटी सो वॉट द स्टेटमेंट से लेट द बेस एंगल ऑफ आइसो स्केल ट्राइंगल बी बी सो वर्टेक्स एंगल क्या हो जाएगा आपका टू बी सो जो आपका वर्टेक्स एंगल है इट मींस टू बी है आपका द वर्टेक्स एंगल बी इज ट्वाइस बेस एंगल सो बेस एंगल उसके क्या होंगे टू बी तो आपका ट्वाइज है वर्टेक्स एंगल और रिमेनिंग एंगल को थ्री एंगल्स होते हैं सो टू एंगल इजेक बी बी सो टू बी प्लस बी प्लस बी इक्वल वन एटी ओके सो टू बी प्लस बी प्लस बी इक्वल टू बी वन बी वन बी कितना फोर बी इक्वल वन एटी एंगल समर्टी ऑफ ए ट्राइंगल इट इज नोन एज एंगल समर्टी ऑफ ए ट्राइंगल थैंक यू